प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश और केरल दौरा, आज रीवा में पंचायती राज सम्मेलन में होंगे शामिल। कोच्चि में प्रधानमंत्री का रोड शो। मणिपुर में खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हुए शामिल। दो दिनों तक चलेगा शिविर। दो के लिए विपक्ष को जोड़ने में जुटे नीतीश कुमार की एक और पहल। लखनऊ में अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। कोलकाता में ममता बनर्जी से भी मिलेंगे नीतीश। तेजस्वी भी होंगे साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। रोड शो के बाद रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी रोड शो। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज। शाइस्ता पर इनाम बढ़ाने की तैयारी। 50,000 से 1,00,000 रुपए का हो सकता है इनाम। असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया अमृतपाल। जेल में बंद साथियों से अलग रखा गया। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां करेंगी पूछताछ। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पहुंचा नेवी का जहाज INS सुमेधा। सऊदी अरब की मदद से भारतीयों को वापस लाएंगे एयरफोर्स के दो विमान। पीएम मोदी की मीटिंग के बाद एक्शन में विदेश मंत्रालय। राजस्थान के टोंक में दो गुटों में झड़प के बाद तनाव। दो पुलिसकर्मियों समेत कई लोग जख्मी। हिरासत में लिए गए 12 लोग। इलाके में धारा 144 लागू। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रितिका सिंह। प्रयागराज से इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी दे दी है। आज सीजेएम कोर्ट में उसकी अर्जी पर सुनवाई होगी। आयशा नूरी का नाम पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया था क्योंकि उस पर अपने मेरठ वाले घर में उमेश पाल हत्याकांड के फरार आरोपी गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज हो चुकी है। यूपीएसटीएफ की टीमें देश के अलग अलग राज्यों में जाल बिछाकर उसे दबोचने की तैयारी कर रही है।